हे गाइस, वेलकम बैक इन अनदर वीडियो। तो आज जिस प्रोडक्ट के बारे में हम बात करने वाले हैं वो ईयरबड्स है, जो विंग्स की तरफ से आते हैं। कुछ इस तरीके का उसका बॉक्स देखने को मिल जाता है। सबसे पहले ऊपर विंग्स की ब्रांडिंग दे रखी है और उसी के नीचे आपको बेस ड्रॉप्स 101 लिखा हुआ है, जो ईयरबड्स का नाम है। बॉक्स से हम साइड में देखें तो आपको की स्पेक्स लिखे हुए दिख जाएंगे। अब सीधा हम बॉक्स को ओपन करें तो सबसे पहले आपको अपने जो ईयरबड्स है वो ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे एक टाइप सी केबल देखने को मिल जाएगी, जो काफ़ी डिसेंट क्वालिटी की आपको देखने को मिलती है। उसी के नीचे एक मैनुअल है, जिसके अंदर जो अपना ईयरबड्स है उसकी आपको सारी डिटेल्स देखने को मिल जाएगी। और लास्ट में अब आप देखेंगे तो आपको एक 1 ईयर की रिप्लेसमेंट वारंटी का कार्ड देखने को मिल जाता है। अब हम बात करें हमारे ईयरबड्स के बारे में, तो आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं और प्लास्टिक बिल्ड में आते हैं ये, और पूरा शाइनिंग तो काफ़ी प्रीमियम लगते हैं आपको ये देखने में। और आप देख सकते हैं फ्रंट में आपको विंग्स का लोगो देखने को मिल जाएगा, और नीचे की साइड देखेंगे तो आपको चार्जिंग पोर्ट और लाइट इंडिकेशन देखने को मिल जाता है। इसके लिड की बात करें तो इसको ओपन करते हैं तो काफ़ी अच्छी क्वालिटी में आपको देखने को मिलता है। मतलब ऐसा नहीं कि बहुत हल्का है, बहुत अच्छी क्वालिटी आपने इन्हें यूज़ करी है। ईयरबड्स की बात करें तो वो भी आपको फुल ब्लैक कलर में देखने को मिल जाते हैं, और बैक साइड में आप देखेंगे तो आपको विंग्स का लोगो देखने को मिल जाएगा नीचे, और उसके ऊपर इंडिकेशन लाइट देखने को मिल जाती है। इसके साइड के हम इसके ड्राइवर्स की बात करें तो इसके अंदर आपको 13mm के ड्राइवर्स देखने को मिल जाते हैं, जो कि काफ़ी ही अच्छा परफॉर्मेंस आपको दे देते हैं। अब हम बात करें कि हमारे ईयरबड्स को अपने फ़ोन से कनेक्ट कैसे करना है। तो कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले तो आपको जो दोनों ईयरबड्स हैं उनको जो उनका केस है उसके अंदर से बाहर निकालना पड़ता है। जैसे फर्स्ट टाइम अगर आप जब आप कनेक्ट करेंगे ना तो तभी करना होगा, इसे हर टाइम नहीं करना पड़ता है। वो होता है कि अंदर रहते हैं तो कनेक्ट नहीं हो पाते हैं, तो आपको थोड़ी प्रॉब्लम आएगी। इसलिए सबसे पहले तो दोनों के लिड को ओपन करके दोनों को बाहर निकाल लीजिए, और जैसे अपने ब्लूटूथ को ऑन करेंगे तो आप देख सकते हैं सबसे पहले जो विंग्स बेसबर्ड्स 101 के नाम से आ चुके हैं ये, और ये वहाँ पर पेयरिंग लिखा हुआ आ रहा है, मतलब पेयर के लिए ट्राई कर रहा है। मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम आई थी, कुडंट कनेक्ट बता रहा था एक बार में, फिर आप इसको एक और बार क्लिक करेंगे तो ज़्यादा नहीं होगा, एक और पेयरिंग का ऑप्शन आ जाता है आपको, और आप देख सकते हैं जो आपके ईयरबड्स वो कनेक्ट हो जाएंगे। और यहाँ पर आपको इसका बैटरी भी देखने को मिल जाता है। अब हम कुछ की स्पेक्स की बात करें तो इसके अंदर आपको ब्लूटूथ वर्जन 5.1 देखने को मिल जाता है। उसी के बाद में आपको ENC मिल जाता है, मतलब एनवायरमेंटल नॉइस कैंसिलेशन मोड देखने को मिल जाता है। इसमें होता क्या है, आपने जब इसको कनेक्ट कर रखेंगे तो जो बाहर का साउंड होता है वो आपको आता नहीं है, तो काफ़ी अच्छा एक्सपीरियंस हो जाता है। इसके बाद से IPX5 वाटरप्रूफ रेटिंग आपको देखने को मिल जाती है। प्ले टाइम इसके अंदर आपको 30 आवर्स का देखने को मिल जाता है, मतलब आपने 100% चार्ज कर लिए तो इसको 30 आवर्स तक इजीली यूज़ कर सकते हैं। अब हम बात करें इसके टच फंक्शंस के बारे में, तो आपको अगर इसकी वॉल्यूम इंक्रीज़ करना है तो जो आपका राइट वाला है उसको आप सिंगल टैप करेंगे तो आपकी वॉल्यूम इंक्रीज होती है, और उस टाइम डिक्रीज करने के लिए आप लेफ्ट साइड पे सिंगल प्रेस करेंगे तो उसे डिक्रीज होती है। म्यूजिक प्ले पॉज के लिए आपको डबल टैप करना होगा कोई से भी ईयरबड्स पे तो आपको म्यूजिक प्ले पॉज हो जाता है। और उसी टाइम अगर आप चाहते हैं अपने ट्रैक को फॉरवर्ड करना तो ट्रिपल टैप करेंगे राइट वाले पे तो उसका फॉरवर्ड होता है, और बैकवर्ड के लिए लेफ्ट वाले पे आपको ट्रिपल टैप करना होगा तो आपका म्यूजिक बैकवर्ड हो जाता है। और उसके अलावा अपना जो असिस्टेंट उसको वे करना है तो आपको जो कोई सा भी ईयरबड्स है उसको 2 से 3 सेकंड के लिए प्रेस करके रखना पड़ेगा, तो आपका जो भी असिस्टेंट है गूगल बिक्सबी सीरी वो वेक हो जाता है। अब अगर हम इसके साउंड क्वालिटी की बात करें तो मैंने आप लोगों के लिए इसका साउंड टेस्ट कर दिया है, जिससे आपको पता लग जाए कि ये ईयरबड्स किस टाइप का साउंड प्रोड्यूस करते हैं, तो एक बार आप उस पर भी नज़र डाल लीजिए। तो बस आज के लिए इतना ही। आई होप आपको आज का वीडियो पसंद आया हो। अगर आपकी कुछ भी क्वेश्चंस या क्वेरीज है तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आप उससे फ्यूचर में कंटेंट देखना चाहते हैं तो उसके लिए मैं सब्सक्राइब करें। जल्दी मिलेंगे अगली वीडियो में, जब तक के लिए बाय बाय।